कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा, तुम तीन का सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम क्या कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, समझ के क्या बोल रहे हो, समझ में रखो क्या करोगे तुम, क्या पकड़ा दो करने तुम्हारी। अभी आपने जिन्हें सुना वो शाजापुर के कलेक्टर हैं। कलेक्टर साहब जिले में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें जिले के ड्राइवर्स भी शामिल थे। तभी अचानक बातचीत के दौरान कलेक्टर साहब एक ड्राइवर पर इतना भड़क गए कि ड्राइवर को यहां तक कह गए कि क्या औकात है तुम्हारी, कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा, तुम तीन का सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम क्या कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, समझ के क्या बोल रहे हो, समझ में रखो क्या करोगे तुम, क्या पकड़ा दो करने तुम्हारी। यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है, क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ, माफी मांगने की तो है, आपने खुद ने क्या औकात है, क्या औकात है अपनी बात को डेवलप करने की, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। इसके बाद कलेक्टर साहब का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मीटिंग में क्या बातचीत हुई इसके बारे में बताया, लेकिन कलेक्टर साहब ड्राइवर पर नाराज होने की बात पर कुछ नहीं बोले। तो हमने जितने मैक्सिमम लोग आ सकते थे सबके साथ आज एक इंटरेक्शन किया, उनको शासन की जो मंशा है उनको बताया गया और उनके भी पक्ष को सुना, और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप कोई भी चीज़ अपने डेमोक्रेटिक तरीके से कहिए, कोई समस्या नहीं है, ज्ञापन दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना। एक तरफ ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट सरकार से हड़ताल जल्द खत्म करने की बात कह चुकी है। देखना यही है कि अब सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है।